टैंकर हमीदी अस्पताल पहुंचे और कोलकाता में डेली डॉक्टर के साथ हुई वारदात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई वारदात को बेहद शर्मनाक बताया। कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के विरोध में अब राजधानी भोपाल में तेज हो चला है। जिस तरीके से एम्स के डॉक्टर्स पहले हड़ताल पर थे, अब गांधी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स, वो पूरी तरीके से हड़ताल पर आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, खास बात ये भी है कि जितने डॉक्टर हड़ताल है, अधिकांश जो है बच्चे जो यहाँ पर काली ड्रेस पहन के आए हैं, सीधे तौर पर ये विरोध कर रहे हैं और जिसके 3000 मेडिकल के छात्र हैं वो हड़ताल पर हैं। उनसे बात करने का प्रयास हम करेंगे कि किस तरह की मैं डिमांड आप लोग कर रहे हैं। हम हमारी सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं सबसे जरूरी, क्योंकि अगर हमें अस्पताल आना है, हमें रात में ड्यूटी करना है, तो हमें सुरक्षा चाहिए। जो कलकत्ता में हुआ है वो कहीं भी रिपीट ना हो, कहीं भी। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी की जा रही है, लेकिन कल जिस तरीके से कलकत्ता में प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान मारपीट भी की गई, आप इस घटना को किस तरीके से देखें? इस घटना को हम कहीं ना कहीं प्रशासन को ही जिम्मेदार मानते हैं, जो सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इससे ये साबित होता है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और जो भी असली कल्प्रिट है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। और हमारा धैर्य का बांध जब टूटा कि जब 14 अगस्त की रात्रि में 200-300 गुंडों की झुंड डॉक्टर्स के ऊपर हमला करती है, सबूत मिटाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ जो कल्प्रिट है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि गांधी मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो सब के सब हड़ताल पर चले गए और साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है उसका अब सही समय है विरोध करने का। यदि हम लोगों ने विरोध नहीं किया तो ये घटनाक्रम बढ़ते जाएंगे। सीधे तौर पर वो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रही हैं। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलेंस न्यूज टीम भोपाल। डॉक्टर की हत्या के विरोध में अब देश भर के डॉक्टर्स ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्वालियर में गजराजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। जीआरएमसी के करीब 350 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने आज से पूरी तरह से काम बंद कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को आईएमए ने भी अपना समर्थन दिया है। काली पट्टी बांध कर बैठे डॉक्टर्स ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक बंगाल की घटना पर न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। और डॉक्टर के इन प्रोटेस्ट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से पवन पटेल, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता और ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे सहयोगी। ग्वालियर का पहले हाल जान लेते हैं। सुशील, बताएं कि वहां पर क्या स्थिति है इस समय? ग्वालियर में भी जूनियर डॉक्टरों की जो हड़ताल है उस हड़ताल को अब आईएमए ने समर्थन दिया है। इसके अलावा नर्सिंग एसोसिएशन भी इनके साथ में आ गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और ये जो न्यू जयरोग्य अस्पताल है उसका मुख्य गेट है। इस मुख्य गेट पर यहाँ जो जूनियर डॉक्टर है, तमाम डॉक्टर हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो बंगाल में नृशंस हत्या हुई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, देश में डॉक्टरों के लिए कानून बने। और डॉक्टर आज काली पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं। इनका कहना कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो आने वाले समय में उनका आंदोलन उग्र रहेगा। हमारे साथ जूडा के सचिव है, किस तरह की आज स्ट्राइक है आपकी और कैसा क्या? देखिए, मैं डॉक्टर आदित्य खरे, जूड़ा सचिव ग्वालियर हूँ और मुझे नहीं लगता कि उस चैनल के माध्यम से मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रदर्शन है और ये हड़ताल किस चीज़ के लिए। आज देश के हर न्यूज चैनल पे, हर घर में, हर पंचाल में एक ही बात चल रही है कि उस महिला चिकित्सक को इंसाफ मिलना चाहिए। कलकत्ता के आर्जकर मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी महिला चिकित्सक के साथ गैंगरेप हुआ है, उसकी हत्या हुई है और इस घटना के साथ ये घिनौनी घटना है। इस घटना के साथ पूरे देश के चिकित्सक, चिकित्सकीय छात्रों के दिल में आक्रोश भरा हुआ है और वो चाह रहे हैं कि उनको एक इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, न्याय मिले। आंदोलन किस तरह से रहेगा? आंदोलन हमारा एक देशव्यापी, प्रदेशव्यापी आंदोलन है और इसमें हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। हमारी बस एक ही मांग है कि उस महिला को, उस बेटी को, उस बच्ची को न्याय मिले। तो निश्चित तौर पर
ग्वालियर में भी जूडा का जो जी बिल्कुल हड़ताल है, आंदोलन है, इसको आईएमएन अपना समर्थन दिया, इसके अलावा आंदोलन कर रहे हैं जो मांग पूरे देश के डॉक्टर्स समय कर रहे हैं। इंदौर का हाल बताने के लिए मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। वक्त मैं इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में मौजूद हूं और 12 बजे से 1 बजे तक का समय दिया था डॉक्टरों ने कि आज ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी और वो तस्वीर में दिखाता हूं। इस वक्त मैं ओपीडी जो है ओपीडी के बाहर मौजूद हूं और ओपीडी के अंदर अब लोग नहीं है क्योंकि जो लोग यहां पर आए थे डॉक्टरों को दिखाने के लिए वो परेशान होकर जा चुके हैं। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किन डॉक्टर दिखाने आए थे, डॉक्टर मिले नहीं? मिले नहीं। मिले क्या तकलीफ है आपको? वो चमड़े का डॉक्टर से दिखाना था। डॉक्टर नहीं मिले अंदर, क्या बताया? ताला लगा हुआ है, खुला था, वो बोला जो बंद हो गया। बंद हो गया है, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। किसको दिखाने आए थे आप यहाँ? डॉक्टर मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। नहीं मिले अंदर, क्या सब ताले लगे हुए? ताले नहीं लगे हुए, बस डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। कितने देर तक आपने इंतजार किया, कब आए थे आप? मुझे ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा इंतजार करा होगा, मैं अभी आया हूँ। लेकिन डॉक्टर नहीं मिले? अंदर डॉक्टर नहीं है? नहीं सर, मैं 10 बजे से आया हूँ मैं अपनी वाइफ को लेकर, और यहाँ पे उन्होंने बोला एक है कि बोल दिए कि यहाँ हड़ताल हो गई है और यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, जाइए आप लोग सब। तो फिर उन्होंने तुरंत गेट बंद कर दिया, हम लोग फिर बाहर आ गए, फिर इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब नहीं मिले, हार्ट की दवाई लेना, आधी दवाई दी आधी नहीं दी, कलर नहीं लिखवा के आऊँ, मैंने कि डॉक्टर साहब यही नहीं हड़ताल पे, वो सहायता में कह रहे कि आधी नहीं। देखिए हड़ताल का जो समय था आज ओपीडी का 12 से 1 बजे तक था, डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टर इस वक्त इंदौर एमवाई हॉस्पिटल से महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज गए और डॉक्टरों ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज तो ओपीडी बंद की है, कल सुबह 6 बजे से देश भर की इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। कल से हाल जानने के लिए पवन पटेल का रुख कर लेते हैं। पवन आप बताएं वहां क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जबलपुर में भी देखा जाए तो प्रोटेस्ट जारी है और मेडिकल हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये जूनियर डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग एसोसिएशन के सदस्य हैं, आईएमए के सदस्य हैं, ये सभी हड़ताल पर हैं और आज 12 से 1 बजे तक ओपीडी बंद रखने का फैसला लिया गया था। सर बताएं क्या मांग है आप लोगों की, क्योंकि कार्रवाई तो एक तरह से देखा जाए तो चल रही है, बंगाल सरकार भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या? कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये जो 15 अगस्त की रात को जो हुआ है वहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्टिंग डॉक्टर के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई, वहाँ तोड़फोड़ किया है आपने, डॉक्टर को जाके मारा है, वो कहाँ की कार्रवाई है? मैं क्या कहना चाहेंगे, ये जो एक्शन हुआ उसके बाद फिर जो जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, ये क्या लगता है आपको, क्यों हो रहा है? हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी पार्टी है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसे 3000 लोग, जनता, नॉर्मल जनता 3000 लोग कैसे आ पा रही है एक अस्पताल में, और क्यों तोड़फोड़ कर रही है, कौन उनको उत्साहित कर रहा है, कौन उनको उत्साहित कर रहा है कि नहीं आप जाके तोड़फोड़ करो, उनकी जितनी शांति भरी प्रोटेस्ट हो रही है उसको जाके तोड़ दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए लोगों के। आपने देखा होगा वीडियोस में आ रहा है, हॉस्टल में चढ़े जा रहे हैं लोग, क्यों चढ़ रहे हैं, क्या रीजन क्या है, हमको ही बताइए ना, क्यों? मुख्य मांग क्या है, मैम अगर बात करें क्या मांग है डॉक्टर्स की? डे वन से हमारी मांगे क्लियर है, जो भी कल्प्रेट्स हैं इसमें, चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई भी धर्म जाति का हो, कोई भी प्रोफेशन का हो, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो कोई सख्त सजा मिलनी चाहिए जो भी दोषी है, ये मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। डॉक्टर्स की सुरक्षा के मद्देनजर भी कदम उठाए जाने चाहिए।